वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी टॉपर्स के साथ में स्पेशल बातचीत का सेशन। तो एक बार फटाफट से अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को शेयर कर दो गाइस, ताकि उन्हें भी पता चल जाए जो वीडियोस हम YouTube पर जाकर बाद में देखते हैं उसका लाइव हिस्सा हम कैसे बन सकते हैं। फटाफट से एक बार अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। वेलकम कपिल सर, बिल्कुल सुरेश सर, हुकुमी सर, मनीष सर, वेलकम टू द सेशन गाइज। सर, आप सबका एक स्पेशल सेशन हमने अरेंज किया है आज, जिसमें हम अपने लर्नर्स को ये बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस आरएएस टॉपर बनके कैसा रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस हम उनसे लेंगे, काफी लोग वेट कर रहे हैं ऑलरेडी। सर, अगर आप लोगों को भी कमेंट्स देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं। आकाश जी, सुरेंद्र जी, ओके, आशुतोष जी, बिल्कुल वेलकम टू द क्लास गाइस। जितेश जी, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं आप सब पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम सर से अपना उनका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो सर, आप इंडिविजुअली सब अपनी जर्नी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही है यहां तक आने में, आपकी जर्नी यहां तक आने में कैसी रही है। कोई भी आंसर कीजिए। कपिल सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। सर, आप तो मैं अगर बताऊं तो मैंने टेंथ जो है वो सुजानगढ़ चूरू से कम करता हूँ, 70% थे मेरे, और ट्वेल्थ में मेरे 70% थे। इंजीनियरिंग मैंने 5 वर्षों में पूरा किया है, वैसे 4 वर्ष का होता है, और 57% थे इंजीनियरिंग में मेरे। और उसके बाद में जो है आरएएस की तैयारी स्टार्ट 2016 में मेरी 534 की रैंक थी, और उसके अंदर मुझे अलॉटमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद वापस एक जो है सोसाइटी में कि सफलता के साथ सब है, असफलता के साथ कोई नहीं है, तो उसके साथ हम में से यहाँ कई लोग हैं ऐसे भी। तो आज ये तो चलो अपन और भी बातें करेंगे, लेकिन हम सफल लोगों से ज्यादा अगर असफल पे इसकी ध्यान दिया जाए तो वो और अच्छी रिजल्ट भी हमें दे सकते। लास्ट ईयर असफल रहा, उसके बाद ये था कि करना ही है वापस, तो इसके साथ साथ पढ़ाना भी स्टार्ट किया। तो पॉजिटिव एनर्जी है ना, परिवार के बाद में स्टूडेंट है, स्टूडेंट से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है को कहीं से नहीं है। और ये हम करो पांचों पांचों, तो ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। आज अगर अपन पांचों की बात करें तो अपन परिवार से ज्यादा टाइम जो है वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं पिछले एक साल से। तो यही था, तो वापस एक गोल डिसाइड था। आई थिंक मैं कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं हूँ, और ऐसा कोई परिवार में पहले नहीं रहा है ना, तो कोई मतलब हमारे कुत्तों में नहीं रहा है कोई, तो तैयारी की और ऐसा सब कुछ रहा। तो आगे और बात करेंगे। बिल्कुल सुरेश सर, आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप तो बच्चों से कनेक्टेड सर लाइव यूट्यूब के थ्रू भी हैं, तो वही इंटरेक्शन के साथ में बच्चों के साथ शेयर कीजिए सर आपका एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी। मैं जालौर से हूँ, राम जालौर से, और मैंने भी 12th तक जो पढ़ाई की है वो गवर्नमेंट स्कूल से की है। और 12th के बाद कुछ ऐसा हुआ कि पढ़ाई छोड़ दी और सूरत टेक्सटाइल में चला गया वहाँ जॉब करने के लिए। 2 साल वहाँ जॉब की टेक्सटाइल में, सारी की दुकानें जो होती है आप सबको पता होगा। और वहाँ जॉब करने के बाद में फिर ये हुआ कि चलो मैं भी पढ़ने में ठीक ठाक था, ज्यादा नहीं कि 10th के बाद GCM लिया तो पता लगा कि मैथ तो आती नहीं है, ये भी दिक्कत थी। फिर जो है मैथ आती नहीं है, फिर जो है धीरे धीरे अपने आप को ठीक किया। फिर नॉन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, साथ में मैं जॉब में भी था वहाँ टेक्सटाइल में, और साथ में मैं एग्जाम देने के लिए आ जाता था। और ये दूसरा प्रयास था, पहले प्रयास में तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, इस बार जो है 84 रैंक है तो पॉसिबिलिटी नेक्स्ट सर्विस जैसे कह रहे कि लाइट सर्विस अच्छे से मिल जाएगी, तो आगे और जो है रैंक सुधारने के लिए प्रयास और किया जाएगा। बाकी लर्नर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका एक साल मेरा भी यही था, जैसे सर ने बताया है कि लास्ट एक डेढ़ साल से जो अकेडमी के थ्रू जो हमारे स्टूडेंट से जुड़ने का मौका मिला वो एक हमेशा जिंदा रखता था, हमेशा हर दिन जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ आओ, उनके लिए कुछ रिसर्च किया जाए, उनके लिए चीजें नहीं ढूंढाई जाए, उसमें खुद को भी उसमें सुधारने का मौका मिला, और स्टूडेंट्स के लिए भी हम कुछ कोशिश की हमने कि हम कुछ अच्छा कर पाए। सर, हम खुद लर्नर्स बन गए, लर्नर्स को पढ़ाते पढ़ाते हम लर्नर्स बन गए जी। हुकुमी सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज, आपकी जर्नी कैसी रही है आरएएस की रैंक में, आपकी रैंक टॉप 100 में ही है सर, तो एक एक्सपीरियंस आपका क्या रहेगा? हाँ सर, बिल्कुल भाई। जी सर, सो मच, और थैंक यू लर्नर्स, तुम सभी के प्यार के लिए। जैसे मैं अकेडमी में पढ़ा था तो जो मेरे लर्नर्स थे
हमेशा मेरे लिए दुआ करते थे, क्योंकि जो जर्नी थी काफ़ी लंबी जर्नी थी, तो उन सभी की बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी दुआओं का धन्यवाद। जर्नी की यदि मैं बात करूँ तो मैं स्टूडेंट था, शुरू से अच्छा था, टेंथ में 91% थे, ट्वेल्थ में 94 थे, सेवन्थ रैंक थी और राजस्थान में। उसके बाद मैंने आई टी कृषि क्षेत्र से बी टेक किया, लेकिन आप सब जानते हो कॉलेज में आप क्या होते हो, 94 का बच्चा 58 पे आ गया, जैसे कपिल सर बता रहे 94 वाला 58 पे आ गया। और कॉलेज वहाँ, लेकिन आप बच्चों का कभी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 94 का बच्चा 58 पे आ गया और आज आपके सामने है कि 80 रैंकिंग है, तो आपके जीवन में हो सकता है सफलता मिल भी है, कभी आप नीचे भी गिर गए तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना, क्योंकि यदि आपकी पोटेंशियल है, आपका टारगेट, आपके पास जीत लो उस टारगेट के लिए, तो आपको अच्छी चीजें मिल रही है। बात में यदि फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूँ, पिछली बार कपिल सर के साथ 2016 में किया था 530 रैंकिंग, मुझे भी कपिल सर की तरह झटका लगा कि नहीं मिला, तो फिर लेकिन तब टारगेट लिया, अब आधे आरएस तो बन गए, अब पूरा बनना है। अब ये यदि आपके मन में है कि आधे बन गए यार, यदि आप प्रिपरेशन में आ चुके हो, इस फील्ड में आ चुके हो, तो टाल बन के आगे ना, घर वालों की तरफ से गांव वाले तो कह देते हैं कोचिंग में कर रहे हो, अच्छा आप तैयारी चालू कर चुके हो, जान अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लिया तो अच्छा आरएस बन गया भी, तो ये यदि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया नहीं लिया तो ले लेना, हम ही पढ़ाने वाले हैं आप सभी को, आप मिलने वाले हैं वो, लेकिन मिलने से पहले एक दिल में एक टारगेट होना चाहिए, मतलब दिल दिमाग में वही टारगेट चलना चाहिए। और 16 की जो गलतियां थी फर्स्ट टाइम थे, हालांकि उस टाइम इतना पता नहीं था, उसके बाद में चीज़ें सीखी, अलग अलग टीचर से किया, जो भी बेनिफिट ले सकते थे वो सब किया, जो गलतियां थी उसमें सुधार किया, जो पढ़ाया जा सकता था वो सब पढ़े, और आप सभी की दुआओं से आज दिन रहे। कंग्रेचुलेशन सर मनीष एकेडमी, उसके लास्ट, हाँ, और इस स्ट्रगल टाइम में हमें प्लेटफॉर्म देने के लिए लास्ट 5-6 महीने से हम यहीं जुड़े हुए हैं, एक लंबी जर्नी आ रही है इसकी, उसमें भी हम जुड़े लर्नर्स को भी और एकेडमी को भी, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मनीष सर आप भी अपनी एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो डूबता है ना वही तैरता है, हम डूबे थे पिछली बार समुद्र में, इसलिए हम जो आज तैर पाए हैं, जब मैं क्लास ले रही थी लाइव तो काफी बच्चे बोल रहे थे मैम हमारा नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, तो डीमोटिवेटेड ज्यादा थे, तब मैंने यही कहा अगर हार रहे हो कोई बात नहीं, अभी हार है, नेक्स्ट टाइम जरूर आप जीतोगे, तो उस जीत को अपनाओ। मनीष सर आप पे आते हैं, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपकी जर्नी में किसने मेजर रोल प्ले किया। जी सर, देखिए जर्नी, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को और सभी मेरे कलीग्स को, गुड इवनिंग सभी लर्नर्स को। तो जर्नी जो है ये 2012 से शुरू हुई थी, अभी तक चल रही है, आगे भी चलेगी, पता नहीं कब तक चलेगी ये है, लेकिन ये है कि इस बार काफी मतलब इस बार जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को देख के, पहले भी ऐसे ही था, पिछली बार भी ऐसे था, कंटिन्यूसली 4-5 से इंटरव्यूज दे रहा हूँ, तो एक लंबा टाइम हो गया है, लेकिन धैर्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है और वो धैर्य अभी तक बना हुआ है, मोटिवेशन भी बना हुआ है, शायद आगे और अच्छी रैंक लेकर आएंगे और यही सोच कर आगे भी प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से। तो लर्नर्स को यही कहूँगा कि मैं एक बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब ज़्यादा कोई परसेंटेज नहीं रही है, ना तो टेंथ में ना ट्वेल्थ में, और ग्रेजुएशन में मैंने बी फार्मेसी की और उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली आरएस की प्रिपरेशन में ही लगा हुआ हूँ, हालांकि मैं एसआई में 129 रैंक आई थी बार, और इस बार जो है आपके सामने 594 रैंक जो है, अब इसमें जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आगे के प्रयास जो है वो कंटिन्यूसली रहेंगे, तो बस लगे रहना है और मोटिवेट रहना है हमेशा, यही कहूँगा लगा। थैंक यू सो मच सर। आरपीएससी जो है वो जवानी मांगती है और हम जो है हम बड़ी खुल के दे रहे हैं, तो पड़ेगा और आप हम चाहे अब यहाँ हैं तो जो स्वर्णिम पल है अगर हम अभी तप लेंगे फिर जो आगे बढ़िया रहेगा। ये लर्नर्स को कहेंगे कि समय अगर आप टाइम दे सकते हो सही डेडिकेशन से तो आरपीएससी आपको कभी निराश नहीं करेगी, हम चारों यहाँ बैठे हैं, हाँ हो सकता है हम पीछे फेल हुए, कुछ भी हुआ हमारी लाइफ में, लेकिन शिक्षा जो है ना वो आपको कभी भी जो है कभी भी नकारेगी, हमें नहीं मिला लास्ट टाइम लेकिन हमें और रास्ते खुले हमारे, आज हम चारों यहाँ बैठे हैं, क्या पता हम लास्ट टाइम बन के कुछ कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते, लेकिन जितना सोशल वेलफेयर वहाँ किया जा सकता है उतना अनअकैडमी के माध्यम से भी
हम चारों हम पांचों लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो शिक्षा जो है वो कभी जाया नहीं जाएगी। तो ये सर बहुत बढ़िया सर, और हम साथ मिलकर करेंगे। बिल्कुल सर। सर अभी आप लोगों ने सबने कहा कि हमें ऑल द टाइम मोटिवेटेड रहना चाहिए। कपिल सर ने स्पेशली पॉइंट आउट किया कि आरपीएससी हमारी जवानी मांगता है। तो सर मोटिवेशन का सिर्फ एक लाइन में आप लोगों को ब्रीफ करना है, सिर्फ एक एक लाइन में चारों को। सर ये इंटरव्यू मैं वैसे पैनल की तरह नहीं ले रही हूँ, लेकिन बच्चों के लिए एक लाइन में मोटिवेशन क्या हो सकता है? कोई ऐसा कोट, कोई ऐसा इंसान जिससे आप मोटिवेटेड रहे हो, कोई ऐसा इंसिडेंट, तो वो अपना आप शेयर कीजिए बच्चों के साथ में सर। मैं तो अगर मोटिवेशन की बात करूँ तो मेरे माताजी मेरे लिए मोटिवेशन है, और वो 10th फेल थे और वो पैरा टीचर थे, तो मैं देवी राजीव गांधी स्कूल में पैरा टीचर थे। और उन्होंने समय तो ये 10th फेल स्टूडेंट जो है वो पैरा टीचर होते हैं, फिर उन्होंने आरपीएससी सिलेक्ट किया, वो ये थे कि भी अगर वो स्टेबल हो सके तो हम भी अच्छा पढ़ सके। तो एक आप जमीन से जुड़े जमीन जिंदा रखें, आप कभी नहीं भटक भी जाएंगे तो फिर भी रास्ता नजर आता रहेगा। तो ये कहूंगा कि माता पिता को याद रखिए, और अगर आप कुछ भी कर रहे हो ईमानदारी से अगर अच्छा कर रहे हो तो कभी भटक भी रहे हो, तो अगर आप अगर जमीर से जुड़ते रहोगे तो आपको याद आ जाएगी आपकी कहानियां, तो आप जरूर अच्छा करेंगे। तो वही मोटिवेशन है, और ऐसा नहीं है कि बचपन से आरएस बनना था या शुरू से ही जो मुझे समाज में वेलफेयर करना था। आई थिंक ये बात मेरे पास नहीं है, एबिलिटी भी नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार हम प्लान करते हैं। तो फिर जीवन में परिस्थितियां होती है, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ कुछ तो फिर जाके कुछ और करें, तब आरएस सामने आए तो आरएस करने लगे, तो ऐसा ही होगा। तो आप अपने जमीन से जुड़े। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा मोटिवेशन था, और मैं बहुत खुश हुई एक्सप्रेस करते हुए कि आप लोगों के साथ में पैनल शेयर कर रही हूँ। सुरेश सर आप अपना मोटिवेशन बताएं कि थ्रू आउट योर जर्नी एक चीज जिसने आपको मोटिवेटेड रखा हो। देखिए ग्रेजुएशन तक तो पता भी नहीं था कि सिविल सेवा होती क्या है, क्योंकि नॉन कॉलेजेड का छात्र था तो पता ही नहीं होता था कि सिविल सेवा होती क्या है। तो पहली बार किसी, अब तो मुझे पता नहीं है, सूरत के रेलवे स्टेशन पर पहली बार एक बैंकिंग गिरी थी, उस पर किसी आईएएस का इंटरव्यू पड़ा था, तो वहां से पता लगा सिविल सेवा होती है। उसके बाद जब थोड़ा नेट पे सर्च किया, उसके बाद चल पड़े कि जो है अब ये नहीं कर, ये डिसीजन कैसे लिया गया, इसके पीछे वो कोई कारण नहीं रहा है स्पेसिफिक कारण या कोई लंबा मोटिवेशन रहा है, पता नहीं ऐसा कुछ था कि ये करना है। फिर दो लोगों से पूछा कि हाँ कर लो, और एडमिशन जैसे पढ़ना शुरू कर दिया, और वहीं से जर्नी स्टार्ट हो गई। और धीरे धीरे देखा मेरे जैसे मैं मेरे परिवार में पहला ग्रेजुएट था, और ये पहली जो सरकारी सेवा लगी गई सबॉर्डिनेट में लाइट सर्विस में, तो मैंने ये देखा कि मेरे जो मोटिवेशन जो तो होती है कि वो आपको थ्रू आउट जर्नी में आपको सपोर्ट करते हैं कि आपको आगे बढ़ना है। लेकिन मैंने जो आसपास के जो लोग थे, जैसे मोटिवेशन मुझे ऐसा लगता है कि किताबों से या किसी बड़े लीडर को मानने से मोटिवेशन नहीं आता है, व्यक्ति को मोटिवेशन जो मिलता है वो अपने आसपास के जो लोग होते हैं जिनसे आप हरदिन मिलते हैं, वो लोग मोटिवेट करते हैं। अगर आपको एक सुबह कोई व्यक्ति ऐसा मिला जो आपको झाड़ के जाएगा तो हो सकता है आप नेगेटिव हो जाए, कोई आपको ये कह के जाएगा कि नहीं आपका जो है इस बार इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो आप मोटिवेट हो गए, कोई कह के आपका होगा नहीं ये है। तो बस ये मोटिवेशन जो प्रैक्टिकल लाइफ में मोटिवेशन जो होता है वो मोटिवेशन होता है जो आप जीते हैं, किताबों से लंबे भाषणों से कहानियों से मोटिवेशन नहीं आता है, मेरा ये मानना है। जो सराउंडिंग लोग मुझे उनसे ही मोटिवेशन मुझे मिला था समय समय पर। बिल्कुल सही सर, यही चीज मैं भी मतलब सर कन्वे करती हूँ बच्चों को कि एक जील आपको सराउंडिंग से, एक अपने अंदर से, ये शायद सबसे बड़े मोटिवेशन के आपके सोर्सेज होते हैं थ्रू आउट। हुकुमी सर आप शेयर कीजिए कि आपके लिए आपकी जर्नी में थ्रू आउट मोटिवेशन क्या रहा। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो इंटरनली भी आती है और एक्सटर्नली भी चीज आपको अफेक्ट करती है। मैं मानता हूँ कि बच्चों यदि आपको मोटिवेट रहना है, ये जो जर्नी आरएस की जर्नी लगभग पंचवर्षीय योजना की, लगभग यदि भी आपको एक या दो अटेम्प्ट वहाँ देना पड़ेगा, और उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये कह रहा हूँ हार्डवर्क पेशेंस, वो चीज लेके आना यदि आरएस बनना है। पेशेंस इतनी लंबी प्रोसेस है, और इस इतनी लंबी जर्नी में आपको मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो वो मोटिवेटर कौन हो सकते हैं? वो मोटिवेटर आपके सबसे पहले आपके माता पिता हो सकते हैं, उनका चेहरा देखिए। जब हम सेलेक्ट होंगे, आज जैसे मैं फील कर रहा हूँ, जब मैं सेलेक्ट हुआ मेरे माता पिता का जो चेहरा, तो आपकी वो कितने प्राउड फील होते हैं, तो उन आप ये सोचिए कि हमें उनको प्राउड फील कराना है। इसके अलावा आपको मोटिवेशन कहाँ से ले सकते हो? अपने दोस्तों से ले सकते हो, यदि आप डाउन फील करते हो आप उनके साथ डिस्कस करो, उनके साथ मोटिवेट रहिए। इसके अलावा उस सपने को आंखों में बसा लीजिए, मतलब बनना यार अब आगे ना तो बनना ही है, बन के जाना है। अब जब आपके पास ये मोटिवेशन इंटरनल, देखो बाहर का मोटिवेशन हम ध्यान देके चले जाएंगे,
एक दिन रहेगा, तुम जाके 12 घंटे पढ़ लोगे, दूसरे दिन अरे चल पढ़ लिया अब तो दो दिन रेस्ट कर लो, नहीं ये नहीं होना चाहिए। इंटरनली मोटिवेशन, नहीं भाई आग जल गई अंदर तो आग को शांत करके ही मानेंगे, तो उस आग को जब तक सक्सेस नहीं मिले तो इंटरनली मोटिवेशन रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, पेशेंस जरूरी है और कंसिस्टेंसी, स्टडी में कंसिस्टेंसी लगातार बहुत जरूरी। आप दो दिन पढ़ लिए छुट्टी कर, नहीं कुछ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं। मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये है, आपका इंटरनली जो मोटिवेशन है वो है अपने पेरेंट्स से, अपने जो एनवायरमेंट है सोसाइटी से मोटिवेशन लेके, क्या रहा ये बनते हैं तो इनका इतना रेस्पेक्ट है, ये चीजें हैं, रेस्पेक्ट तो है ही है आपके लिए भी, आप खुद भी अपने लाइफ के सस्टेन करने के लिए वो चीजें सारी चीजें, ये सारी मोटिवेशन। थैंक यू सर। मनीष सर आप भी अपना थोड़ा सा मोटिवेशन शेयर कीजिए कि ऑल द थ्रू आउट योर जर्नी आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रखा। सबसे पहले तो मैम देखो, एक जो परिवार वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं। आई एम सॉरी सर आपका थोड़ा वॉइस इशू कम है, वॉइस आप थोड़ा सा लाउड अगर बोल सके, बच्चों को एक इशू आ रहा है वॉइस का। जी सर ठीक है। जी सर परफेक्ट सर, थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो परिवार वाले होते हैं वो सबसे बड़े मोटिवेटर होते हैं हमारे, क्योंकि वो सुख दुख में ऑल टाइम वो ही साथ रहते हैं, मतलब चाहे लंबी मुझे तो पता है कि लंबी असफलताएं रेगुलर रही है, तो उन्हें असफलताओं में अगर परिवार वाले ये कह दें कि बेटा फिर से कुछ नहीं होगा, कुछ लेना देना भी नहीं है, तो मतलब इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, वो छोड़ देता है, किसी और फील्ड में जाने की सोचने लगता है। लेकिन अगर परिवार वाले ये कहें कि नहीं कर सकता है अपनी पुरानी गलतियों से कुछ ठीक, एक तो मोटिवेशन ये होता है। दूसरा मोटिवेशन होता है कि आप सर बता रहे थे कि सराउंडिंग जो पीपल्स होते हैं, जो दोस्त होते हैं आपके आसपास, जो रिलेटिव्स होते हैं, मेनली रिलेटिव्स लोग डिमोटिवेट ही करेंगे, पर दोस्त जो हैं वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे रेगुलर। तो जैसे मैं कहूँ कि अगर अपनी तैयारी कर रहा था तो तैयारी के दौरान मेरे साथ तैयारी करने वाला कोई भी नहीं था, सेम फील्ड का कोई भी नहीं था, तो कभी करो मतलब अपने साथ तैयारी करने वाले लोगों को भी साथ रखो, क्योंकि वो जैसी तैयारी कर रहे हैं आप तैयारी करोगे तो साथ साथ आपकी प्रोफेशनल चलती रहेगी, आप मोटिवेट रहोगे एक दूसरे से। मतलब अब अकेले तैयारी करते हैं तो हम कभी कभी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन फिर अपना लक्ष्य को देखना पड़ता है कि हमने क्या लक्ष्य डिसाइड किया है, तो लक्ष्य मोटिवेट करता है बड़े लेवल पर। और भी कई सारी चीजें होती है जो मोटिवेट करती रहती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इंटरनल मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है बजाय की एक्सटर्नल मोटिवेशन। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब अपना रिजल्ट जब आया था ना, तो मैं अकेला बैठा था सर, वो 11:30 आया था। अब मैंने क्या किया, मेरा रोल नंबर डाला और डाल के मैंने लेफ्ट साइड का रैंक दे, ठीक है। अच्छा। मैं वहाँ आदमी टेंशन के अंदर, मतलब घर वालों का सपोर्ट देंगे आप, मतलब समाज आपको जो है ना सफलता की बात ही साथ है, कि मतलब जो लोग आपसे पूछते हैं ना कि भाई कब होगा तेरा सिलेक्शन, पहले से पढ़ रहे हो, पहले दिल्ली पढ़ लिए, जयपुर पढ़ लिए, बीकानेर पढ़ लिए, इनको आपके सिलेक्शन की परवाह नहीं है, पर आप लग जाओगे ना ये आपके अपने आप हो जाएंगे। कि मैंने नहीं देखा आज से कोई SDM RPS या SI से कोई नाराज हो, कोई नाराज नहीं होता भाई, थानेदार SI कौन नाराज होता है कि सबसे काम करते हैं, कोई नाराज नहीं होता। लेकिन ये स्टार्टिंग में ही करते ही है डिमोटिवेट इन लोगों को, ये वैसे तो एक काम ठीक है, ये डिमोटिवेट करेंगे ना तो अपन जैसे लोग निकलेंगे, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना वो एकदम शांत होते हैं, हमें जब ये डीमोटिवेट करते हैं, जब ताने पड़ते हैं ना, तो ये जो है ना बिना मतलब की जो है ना ये डाल देते हैं नेगेटिव मोटिवेशन, आशाएं होते नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने और रुकने की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम रह गए, तो अब जो है हमारे लिए करना जरूरी हो गया, तो मतलब गाँव नहीं जा सकते, बिल्कुल सर नेगेटिव मोटिवेशन ज्यादा इंस्पायरिंग होता है। मैंने रैंक देखा भाई जी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने मेरा लेफ्ट साइड का रैंक देखा तो 892 था, 80-45 रोल नंबर। अब भाई तो मैंने देख लिया इधर मेरा 129, मैंने देखा नहीं, मैं मतलब मेरे को लगा 3 रो है अपना इधर है, मैं देख के आ गया। मैंने कभी अपना है ना 892 नहीं हुआ इस बार भी, मेरे को लगता है कि मैं तो लाइक ही नहीं हूँ अपना कोई काम नहीं। तो अब घर वालों को ये टेंशन है कि ये टेंशन में ना आ जाए, ठीक है। पापा सिस्टर उनको ये नहीं है कि मतलब मेरे को पता है उनको ज्यादा सदमा लगा, लोगों को फेस करना अलग, वो अलग ही चीज है। ये बनेंगे आरएस क्योंकि बचपन से ये सुन रहे हैं इनका कुछ नहीं होगा, तो अब उस कंडीशन में वो आधा घंटा जो था, आधा घंटा तक मैंने क्या फोन बंद कर लिया, बच्चों ने तो स्टेटस लगा दी कि 129 गई है, लेकिन मैंने तो देखा ही, मैंने कहा नहीं हुआ, ग्रुप में मैंने लिख दिया नहीं हुआ थैंक यू भाई साहब, और मैं बैठ गया। अब आधे घंटे तक घर वालों ने ये कहा वापस आ जाएगी वैकेंसी, बट वो कोई बात नहीं है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, पढ़ाई करोगे ठीक है, तुमने अपनी मेहनत की कोई बात,
फिर जाके कुछ सिस्टर ने वापस देखा और जो है एक दिन का व्हाट्सएप कॉल आया कि तेरी 29 भी नहीं खैर हो गया तेरे को। फिर बाद में वो जो उनका जो था ना तब वो रोए, मतलब तब जाके उनके आंसू आए, जब नहीं हुआ था ना तब उनके आंसू नहीं आए, जब उनके आते तो कमजोर हो जाए। सर आपको बातों से शुगर होने वाला था ना जी। चलिए सर, मैं आप लोगों के जितना भी आप लोगों ने शेयर किया वो विद्यार्थियों के साथ में, लर्नर्स के साथ में क्विक शेयर कर देती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग पढ़ाई में कैसे हो, एवरेज हो, मीडियोकर हो, इंटेलिजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप जॉब करते हो या नहीं करते हो। सुरेश सर ने ऑल द वाइल प्रिपरेशन जॉब करते हुए करी है। कपिल सर ने शेयर किया कि पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या परसेंटेज रहती है। वहीं अगर आप टॉपर हो तो आप हुकुमी सर से एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर आप मनीष सर से सीखना चाहो तो आप उनसे ये सीख सकते हो कि कैसे आप इंटरनली मोटिवेटेड रहते हो, डेडिकेटेड रह सकते हो थ्रू आउट योर जर्नी। तो हमने हर एक एडुकेटर से एक बात सीखी। अब मैं चाहूंगी सर आप सब एक बार, मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, जितने लर्नर्स हमें लाइव देख रहे हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तब तक हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी को रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, उनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। सर थैंक यू सो मच अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। अब जितने भी लर्नर्स हैं वो कॉमेंट के थ्रू आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं वो क्वेश्चंस आपके सर तक कन्वे करूंगी। जिन भी टीचर से रेलेवेंट आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस वैलिड हैं, हम वो क्वेश्चंस आपको आंसर करके बताएंगे जितना बेस्ट पॉसिबल वे में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए ओके ठीक है। आरएस में एकेडमिक्स में परसेंटेज का भी इफेक्ट पड़ता है, मैं ये जानना चाहता हूं। तो सर कप्पू जी पूछ रहे हैं आपकी आरएस में क्या परसेंटेज का इफेक्ट रहता है या नहीं, तो आप में से जिसको रेलेवेंट आंसर लगे सर आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए। 10th 12th और कॉलेज का परसेंटेज मैटर करता है क्या एग्जाम में? जी मनीष सर, इसमें परसेंटेज का तो कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, चलो शेयर कर ही देता हूं, 12वीं में मेरी 50% थी और 10वीं में 58%, और रेगुलर मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ, बस कहीं 10-12 नंबर जो है वो रैंक अपनी डाउन करती है, और ये आपको मैंने बताया कि 10-12 नंबर में रैंक काफी कुछ बदल जाती है। तो वो कहीं ना कहीं जो कमियां है वो कुछ जैसे सब्जेक्ट्स की है, तो आप सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, बजाय कि अपने इससे कि मेरी परसेंटेज क्या रही है क्या नहीं रही है, ये कोई मैटर नहीं करता बिल्कुल, ना कोई वो चेक कर रहे हैं आपको कि आप कितनी परसेंटेज वाले हो तो आपको ज्यादा नंबर देंगे, आप कम परसेंटेज वाले हो तो आपको कम नंबर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फालतू भ्रम फैलाया हुआ है समाज में ताकि कमजोर जो है उनको और कमजोर कर दे कि आप है ना तैयारी मत करो। ठीक है सर, आई गेस लर्नर्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, परसेंटेज मैटर नहीं करती है, सिर्फ डेडिकेशन आपका मैटर करता है, किस डेडिकेशन से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। सर एक और क्वेश्चन है, कुछ लर्नर्स के मीन्स के एग्जामिनेशन में वेरीड मार्क्स आते हैं, चाहे पेपर वन का देखो तो किसी में कोई टॉप कर रहा है 100+ मार्क्स हैं, वहीं किसी का पेपर फोर में 50 से भी कम मार्क्स हैं, तो कंसिस्टेंसी चारों पेपर्स की हम कैसे ला सकते हैं, ये एक लर्नर का ओपिनियन है। कपिल सर स्पेशली आपको पॉइंट आउट करके क्वेश्चन पूछा गया है तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए बताएं। आरएस में बड़े सब्जेक्ट है, किसी एक सब्जेक्ट से मोहब्बत मत करो नहीं तो सारे पेपर पता निकल जाए। अगर आप पढ़ते हो अच्छे लगना लग जाता है तो मान लेना आपके 4-5 सब्जेक्ट डुबा देगा एग्जाम, पर अगर आपको जो पॉलिटी बढ़िया लगने लग गया है तो मान लेना कि 2-4 को लेके बैठे। तो आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट बड़ा मस्त है। जब 60 नंबर की हिस्ट्री है ना तो 60 नंबर की हिस्ट्री को उतना ही वैल्यू दीजिए कि एथिक्स को भी आप 60 नंबर का तो उतना ही वैल्यू। हाँ सब्जेक्ट बड़ा है उसको आप शॉर्ट कीजिए, कंसाइज कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो आजकल मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि एक शैक्षणिक जागरूकता राजस्थान में सबसे कम है, सेंटर से जुड़े हुए हैं तो ये बता सकते हैं बिहार यूपी का स्टूडेंट जो है वो एजुकेशनल रूप से काफी अवेयर है, यहाँ पे लोग बिना सिलेबस के पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले भी हैं। तो आज अगर हम ऑफलाइन एजुकेशन का देखें तो बहुत ही खराब सिस्टम है, मतलब 2-2 साल तक जो है मेंस पढ़ाया ही नहीं जाता है, केवल और केवल हिस्ट्री पॉलिटी प्रीलिम्स पे ध्यान दिया जाता है और बाकी वो प्री चला जाता है, प्री के बाद कभी मेंस की तैयारी जो है ना पहली बार में अगर आप कर भी लोगे ना तो फिर बाद में मेरी और यूपी वाली की लास्ट वाली सिखानी होगी कि पहली बार में अगर आप प्री के बाद पढ़ते हो तो हर चीज आप पढ़ लेते हो, एफिशिएंसी आती है भाई, तो ये बात यही है। तो थोड़ा दोनों को साथ लेके चले और मैं एक में सारे लर्नर से और उनके परिवार वालों को बोलूंगा कि ये 10-15 दिन बड़े जो है वो विज्ञापन के दिन है, तो जिस जगह अच्छा है और अगर कोई पहले वहां पे था, जैसे मैं कह देता हूँ मेरा किसी संस्था से कोई लेन देन नहीं,
अगर कोई संस्था मेरा क्रेडिट लेती है तो मेरी असफलता का क्रेडिट भी वो संस्था ले, क्योंकि उस संस्था ने सफल होने के बाद में अगर कहा है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने पिछली बार अनेक असफल विद्यार्थियों को कहा था कि आप असफल हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तो हमें भी चेंज करना चाहिए। समाज के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे, हम 500 हम चारों की जो जर्नी है अगर आप देखना चाहें तो हमें एक अटेम्प्ट में नहीं मिला कुछ। तो समाज अगर हम जैसे लोगों को जो असफल हुए हैं उनको अगर आप समाज में कोऑपरेट करोगे ना, बच्चों को ताने नहीं मारोगे ना, तो ये चार नहीं यहाँ पे 40 भी बैठ सकते हैं। तो ये सोसाइटी में भी चेंज होना चाहिए। और यूट्यूब पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपको अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो है लोग डेली आर एस बना रहे हैं, मतलब फैक्ट्री चालू है यहाँ पे, तो वो डेली आर एस बनाना अपने आप में बहुत, मैं आज एक साल हो गया एक भी स्ट्रेटेजिक रीजन नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं असफलता के राज में बता सकता था, राज नहीं होते कारण होते असफलता के, तो मतलब असफलता के कारण मेरे पास थे कि मेरे पास क्यों आज अगर मुख्यमंत्री बताए या प्रोफेसर बताए कि भाई क्या चीज है या इनका एक्सपीरियंस है ये बताएं, क्योंकि इन्होंने एग्जाम दिया है तो ये बता सकते हैं, लेकिन चार महीने में मिलेगी वर्दी वाली नौकरी, आउट ऑफ रैंक आ रहे हैं, रब की बार आ रहे हैं, सरकार जीरो से हर से फर्ज, ये जो है ना ये गोट का धंधा है, मतलब हमारा काम मजा देना नहीं है, और जहाँ पे ज्यादा मजा आ रहा है वहां पे बच्चों को समझ लेना चाहिए कि केवल मजा आता है, नंबर नहीं आएंगे, तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो बच्चों पे कृपया करके अभी जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं नए साल जो है मकर संक्रांति को एकदम तोड़ देते हैं, याद रखना हमेशा जो है वो 1 जनवरी को डिसाइड किए गए डिसीजन 14 जनवरी को खत्म हो जाते हैं, तो कृपया थोड़ा संयम रखें, अच्छा इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ अच्छा प्लेटफॉर्म, 2-4 सीनियर से बात करें, पूरा डिसाइड करें, उसके बाद स्टार्ट, यही मैं जो है लर्नर्स को कहना चाहूंगा, यही मेरे जो है दोस्त जो है वो इसकी सहमत होंगे। थैंक यू सो मच सर, सच में बहुत ही अच्छा तरह आपने एक्सप्लेन किया अपनी जर्नी के इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को। सर एक क्वेश्चन और है, काफ़ी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आज मैं मेरा भी एग्जांपल लूँ तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है प्रिपरेशन करते टाइम, आपको सोर्सेज नहीं मिलते हैं तो क्या हमें मीडियम चेंज करना चाहिए? ऐसा काफ़ी बच्चों का कॉमेंट आ रहा है कि मैम मेरा इंग्लिश मीडियम से मैंने सो एंड सो जॉब करी है, क्या मुझे अपना मीडियम चेंज करके हिंदी मीडियम करना चाहिए, क्या उसका रैंक पे कोई असर पड़ता है? तो सर इस पे आपका ओपिनियन क्या होगा? हुक्मी सर या सुरेश सर आप दोनों से कोई भी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, सर दोनों दे दीजिए एक एक करके। जी सर, बच्चे उनका डाउट आरबीआई आपके स्टडी मटेरियल बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि आप हिंदी में आप थोड़ा बेटर बोल रहे हैं, आपके पास एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है, आपकी आंसर राइटिंग स्किल नहीं देखी जाएगी, आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले, इसलिए मीडियम बदलने का तो विचार ही दिमाग में जितने हैं वो निकाल दीजिए। मटेरियल की इश्यू है, उस मटेरियल के आपके अलग अलग सोर्सेज हैं, मैकेनिकल पे भी यदि कुछ है अवेलेबल है तो आपको सोर्सेज देख लीजिए, आप खुद सेल्फ स्टडी कीजिए, खुद सोर्सेज को कलेक्ट कीजिए, लेकिन मीडियम बदलने का सोचने का आइडिया मुझे नहीं लगता कि बेटर आइडिया है, क्योंकि इस जो बच्चे हैं उनको जो राइटिंग स्किल वाला जो मेन तो जैसे हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको बहुत अच्छे से लक्ष्यदार थोड़ी सी और भाषा शैली में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन आपको नहीं है, आप तो लिखोगे जो भी लिखते हैं वो अच्छा लगेगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ अच्छा लगेगा, इंग्लिश लिखी है तो अपने प्रोफेसर साहब को भी बढ़िया ही लगता है, क्योंकि सारे हम हिंदी मीडियम के हैं, हमारे जैसे प्रोफेसर साहब तो और भी हिंदी मीडियम के थे तो उनको इंग्लिश वाला बढ़िया, लेकिन यदि आपका कंटेंट आप थोड़ा सा सही भी लिखोगे और आप थोड़ा सा यदि रिसोर्सेज नहीं है तो आप उनको कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मीडियम बदलने का आइडिया सर मतलब इन शॉर्ट हमें सेम मीडियम को परस्यू करना चाहिए, मीडियम चेंज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मीडियम में बेनिफिट और है मैं तो ये मानता हूँ, यदि आपकी राइटिंग थोड़ी कमजोर है। थैंक यू सो मच सर, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक मैसेज है, अगर अभी भी लग रहा है कहीं से भी सोच रहे हो कि मीडियम चेंज करना चाहिए तो मत करना मीडियम चेंज, आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आपके आंसर राइटिंग स्किल्स में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, आप उसे और इम्प्रोवाइज कर सकते हो। सुरेश सर आपसे एक क्वेश्चन है, जॉब के साथ साथ हम जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? काफी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उन्हें ये जानना है कि जॉब के साथ साथ पढ़ाई कैसे करें। देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये जो आर्ट्स वाली पढ़ाई जो होती है ना कि इतने घंटे में इतना पढ़ा जाएगा, तो मुझे ये टाइम टेबल जो होता है कि आर्ट्स बेस पर टाइम टेबल वो कभी फॉलो होता नहीं है, 8 से 10 घंटे डेली पढ़ो तो परीक्षा पार। ये 8 से 10 घंटे कोई पढ़ता नहीं है बिल्कुल सर, ये भी बात बिल्कुल सही है।
अगर कोई लाइब्रेरी में जाकर भी 12 आवर्स बैठता है तो वो 5 से 6 घंटे पढ़ता है, बाकी चाय में दोस्तों से बात करने में थोड़ा थक भी जाते हैं, उसका टाइम चला जाता है। हाँ, एग्जाम के जब एग्जाम देने तो उस समय 8-9 घंटे आप जरूर निकाल सकते हो, एग्जाम जब आपका पास में है। बिल्कुल। तो पहली चीज तो ये कि अगर आप जॉब में, तो मैं ऐसा कहूंगा जैसे मैं आपको बताऊंगी, जैसे आप टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिए कि जैसे वीक में 2 टेस्ट पेपर आप दीजिए, बिना लिखे तो देखो होगा नहीं, आपको अपने प्रेजेंटेशन पे तो काम करना पड़ेगा। तो आपने जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, या फिर आपने जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जो है कि हम वीक में 2 पेपर देंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिए कि ये 3 दिन में ये छोटी यूनिट है सोशियोलॉजी की कम्प्लीट करनी है और टेस्ट देना है, ये 3 दिन में स्पोर्ट्स एंड योगा कम्प्लीट करना है, फिर ये टेस्ट देना है। तो आपको ऐसे यूनिट वाइज करना पड़ेगा। अब उसमें जैसे जॉब वाले, अगर मान लीजिए कि आप जॉब से आए, अगर आप आज आपके पास टाइम नहीं है, आप कल 4 घंटे दे दीजिए, पर आप 3 दिन में वो यूनिट खत्म कर लो। ऐसा नहीं कि आज उसके लिए आप जो है डेली 8 घंटे पढ़ना वो जरूरी नहीं है, आप उस 3 दिन में उसको कंप्लीट करो। अगर 1 दिन 4 घंटे बैठने पड़े तो 4 घंटे बैठ लो, लेकिन 2 घंटे पढ़ाई कर बैठो, 2 घंटे, ताकि क्या होगी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। देखो मेरा ऐसा मानना है कि जितना टाइम टेबल आपका टफ होगा उतना ही आपको डिमोटिव करेगा। सर टारगेट बेस्ड हमको करना चाहिए प्रिपरेशन, ना कि घंटों के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि मैं 10 आवर्स का टाइम टेबल बनाऊँ और मैं सुबह उठा, एक तो मान लीजिए मैंने 6 बजे कहा कि मैं 6 बजे उठ के पढ़ूंगा, आप 7 बजे उठ गया, आज तो नहीं पढ़ेंगे, आज 1 घंटा लेट उठ गया। अब वही से क्यों करा, आप 11 घंटे का टाइम टेबल क्यों बनाओ, आप बनाओ अगर आप 8 घंटे पढ़ना चाहते तो 5 घंटे का बनाओ, 5 घंटे के बाद में भी अगर आपने 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। बनाया था आज 5.5 घंटे पढ़ लिए, अगर आप घंटे वाइज बनाना भी चाहे तो ऐसा बनाओ जो आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाए। जी सर। और मैं ऐसा कहूंगा कि जो जॉब के स्टूडेंट्स हैं उनसे, उनके लिए ये कहूंगा कि आप जो है पेपर वाइज यूनिट को टारगेट कीजिए, आर्ट स्पेस पर मत जाइए, क्योंकि जॉब के साथ में प्रिपरेशन करने में आर्ट स्पेस पर टाइम टेबल बनाने में दिक्कतें आएगी, वो हमेशा रहेगी। सर आरएएस जैसा जो प्रिपरेशन होता है, थैंक यू सर इतना अच्छे से आपने ब्रीफ किया हमको जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन के लिए। तो इन शॉर्ट इसका कंक्लूजन यही है गाइस कि टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो, घंटों पे बैठकर ध्यान मत लगाओ कि वो 10 घंटे पढ़ता है मैं भी 10 घंटे पढ़ूंगा, किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई बच्चा 2 घंटे में भी उतना पढ़ लेता है जो दूसरा बच्चा 10 घंटे में पढ़ता है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी रखो, जितना टारगेट बनाया है भैया आज मिडेवल के 3 सेक्शन 3 यूनिट खत्म करने हैं तो मिडेवल इंडिया करके ही सोऊंगा, चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे, टारगेट बेस्ड स्टडी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, आरएएस जैसा जो मतलब हमारा एग्जाम है उसमें एक बैकअप होना जरूरी है, क्या ये नेसेसिटी है या ये एक मिथ है कि आरएएस की जिस स्ट्रैटेजी में, जिस प्रिपरेशन के रिजल्ट आने में 2 या 3 साल लग जाते हैं, तो क्या स्टूडेंट्स को डाइवर्ट होकर कोई और प्रिपरेशन करनी चाहिए या उन्हें स्टिक ही रहना चाहिए आरएएस के ऊपर? सर इस पर कोई भी आप हुक्मी सर आप कॉमेंट करिए, आपकी रैंक 18 है तो उसके लिए हम बच्चे थोड़ा एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, आप क्या एक्सपीरियंस शेयर करें। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो जैसा सेम सिलेबस, जैसे आरएएस का प्रीलिम्स का सिलेबस है, आरएएस का जैसा सिलेबस है, वैसा कोई आप ऐसा एग्जाम देखो जहां पर वैसा सिलेबस मैच करता हो, मतलब क्योंकि कई बार ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं जैसे आप एसएससी की करना चाहते हो फिर आरएएस की करते हो, तो दोनों बहुत डिफरेंट है और दोनों के अप्रोच भी डिफरेंट है। तो आप वैसा तो कुछ मत करो कि अपना प्लान वैसा तो मत बनाओ, लेकिन प्लान ऐसा बनाओ कि जैसे साथ में आप एसआई की कर रहे हो या आप कोई पटवार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम से कम एक बना के रखो, मतलब क्योंकि बड़ी लंबी जर्नी है। वैसे तो आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, वो आरएएस है ना, लेकिन क्योंकि अपने यहाँ पर ज्यादा टाइम लगता है इस वजह से है ना, ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे कि अगर वहां आप ब्रेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली कि आप ब्रेक कर पाओगे, मतलब आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा अगर वहां सेलेक्ट हो जाते हो तो इस बार आप जैसे रिजल्ट देखो काफी जॉब वाले सेलेक्टेड है, मतलब इस बार रिजल्ट में भी काफी जॉब वाले हैं, तो वो उनका मोटिवेशन था कि वो ऑब्वियसली कि किसी और जॉब को पकड़कर वो तैयारी करते रहे। सही है, मतलब आपके यदि कंडीशंस ऐसी हैं कि आप अफोर्ड नहीं 4 साल, क्योंकि आप 2 साल 3 साल जा रहे, ये इतना लंबा ड्यूरेशन की हकीकत है, हम आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहे, हम आपसे पहले से रूबरू करा रहे हैं इस चीज को। यदि आपकी कंडीशन स्ट्रांग है तो आप ये रिस्क ले सकते हो विदाउट फेयर, लेकिन यदि आपको लगता है कि फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं, यदि सस्टेन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उस चीज के लिए पहले आप एक बैकअप प्लान रखिए,
इफेक्टिव प्लान के बाद में आप अपना जो ड्रीम है उसको कंटिन्यू कर सकते। मैं तो देखो थैंक यू सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लान देखो यही होना चाहिए और उसके बाद में अगर प्लान ही अगर आपका बहुत अच्छा है ना तो राजस्थान के आपके बी से लेके जेड तक के सारे प्लान खुले हैं। ठीक है, अगर आर एस की पहले ढंग से कर लिया की मैंने ग्राम सेवक किया, मेरा ग्राम सेवक हुआ एस आई में जो 284 नंबर थे फिजिकल में, तो आप जितने भी एग्जाम दोगे ना प्लान एक आपका बेहतर है ना, उसमें अगर अपन ने हम चारों ने पढ़ा है। हाँ, एग्जाम आपको बीच में देते रहना चाहिए, अगर आप एग्जाम देते हो तो वास्तविक का पता चलती है। क्या होता है देखो एग्जाम्पल छोटा सा, क्या आर एस की तैयारी करो पटवार का एग्जाम आ गया, इस बार ने पूरा का पूरा राजस्थान जीत के आपका कवर हो जाएगा एक महीने के अंदर। एग्जाम के प्रेशर से भी तो आदमी ठीक ठाक पढ़ लेता है और अगर उसमें फेल हो गए तो आपको अपने लक्षण सुधार की बहुत आवश्यकता है। पटवारी में फेल हो गए आर एस की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा और पढ़ना चाहिए। तो अगर प्लान ए अगर आपका मतलब अगर अपन ने अच्छे से तैयारी की तो बाद में बी जेड सारे खुले हैं, आरपीएससी सबका सिलेबस बढ़िया, पटवार का तो मुझे तो भी लगता है आर एस से ही जाता है। ठीक है, तो छोटे से सब कुछ डाले तो भी ज्यादा ही है। तो आप जो है वो प्लान ये अच्छा करो और मैथ रीजनिंग और लैंग्वेज अच्छी है तो आपके सारे एग्जाम क्लियर होंगे और हम सब ने दिए एग्जाम तो आपको एग्जाम देते रहना चाहिए। अगर आप ज्वाइन ना भी करो तो मतलब तो भाई बहुत जो भी बैठे को मेरा हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ये पैकेज वापस आएगी तो अब जो आप मुझे टाइम तो आपका कॉन्फिडेंस रहता है, घर वालों की भी रहती है, पाँच पाँच साल लग जाते हैं, एक बार फ्री फेल हो जाए तो आदमी घर वाले उठे एग्जाम हॉल का प्रेशर भी निकल जाता है दिमाग से, यहाँ वो 30 बच्चों के साथ एक साथ प्रेशर में एग्जाम कैसे देंगे उसके लिए भी मेरे साथ तैयारी करते थे ना उनका एग्जाम देंगे तो तैयारी तो देखो किसी की नहीं होती, मतलब महाराणा प्रताप की कभी 100% नहीं होती, बिल्कुल कभी भी नहीं होती, बिल्कुल अगली बार अगर अपन चारों देना तो लास्ट दिन सोचेंगे एक दिन और तैयारी ठीक है। सर सुरेश सर आपसे एक क्वेश्चन है, बच्चे काफी देर से पूछ रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो हमें क्या आर एस को प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए, तो सर ब्रीफ में बता दो स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, फिर कैरी फॉरवर्ड के लिए उनको हमारे अन अकेडमी के ऊपर कैसे हम कोर्सेस को शेड्यूल करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल सर, हम वहाँ है ना गाइड करने के लिए, बिल्कुल सबके प्लस कोर्सेज हैं, सब वहाँ पे गाइड करेंगे सर, बट एक जर्नी स्टार्ट कैसे करनी चाहिए बच्चों को आगे का मेन प्रिपरेशन में, हम अनअकैडमी के थ्रू कैसे उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कैसे दोनों मीडियम्स के कोर्सेज प्लस पर अवेलेबल हैं, उनका एक थोड़ा सा ब्रीफ आप दे दीजिए सर। बिल्कुल सर देखिए फर्स्ट वैसे भी आप फाइनल ईयर में जाकर एलिजिबल होने वाले हैं ना, और अगर आप रेगुलर रहो या नॉन कॉलेज वैसे भी कॉलेज में इस लेवल की पढ़ाई होती नहीं तो कम से कम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो समय है वो आर एस की प्रिपरेशन में दीजिए। ये अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन है। सबसे पहली बात तो कि अगर आप 12वीं के बाद में जाना चाहते हैं तो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ईयर से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात है फर्स्ट अटैम्प में अगर आपको क्लियर करना हो तो राइट डायरेक्शन होना जरूरी है। देखिए अगर हम एक दो बार नहीं पढ़ाए तो उसका रीजन ये था कि हमारे पास्ट की जो एक्सपीरियंस है हमें ऐसा गाइडेंस नहीं मिला। ये भी है हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां से बिल्कुल भी बताता कि कई आपको जो है टेस्ट पेपर लिखने चाहिए, आपको जो है आरपीएससी की किताबें एनसीईआरटी की किताबें तो ढंग से पढ़नी चाहिए, आपको जो है निरंतर लिखना चाहिए, आपको हमें बताना चाहिए आपका नहीं होगा तो हम आपके सामाजिक मतलब आर्थिक रूप से मानसिक रूप से हम आपके सपोर्ट में होंगे, वो नहीं मिलती है तो हम जाते हैं ना। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड आपका बेस ज्यादा तो फाइनल ईयर में आपका जो है अटेम्प्ट में आप बहुत अच्छा जो है रिजल्ट निकाल लोगे। और मैं ये बात मैं यहाँ से कहना चाहूंगा कि अगर आप दिल से मेहनत करते हैं ना, जैसे कपिल सर ने भी कहा था कि अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो राजस्थान में आपको जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। अगर आप वाकई में अगर ढंग से प्रिपरेशन की है आपको वेट करना पड़े एक बार आपको हाँ हो सकता है अगली बार आप स्टेट में जरूर जा सकते हैं, लेकिन आपको बस वेट करना। और मैं देखो मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान में हर एग्जाम के लिए वेट करना पड़ता है, तो अगर वेट करना ही है तो आर एस के लिए वेट किया जाए। अगर वेट करना ही है और हम चारों लोग जो है हमने इतना थोड़ा तो गेन किया ही कि हम आपको थोड़ा मार्गदर्शन दे सकें तो हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे अकेडमी पर। अगर आप अकेडमी पर जुड़ते हैं तो हमारे जो हमने जो गलती है कि उसमें कैसे हमने सीखा और आप गलतियाँ ना हम वो चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे
से, हम किसी ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ हमारा सॉलिड बैकग्राउंड रहा हो एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली वाला, वो तो ऐसा तो है नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप में से आज यहाँ बैठे, मतलब ये हमारे अंदर कोई नई हमारे पर कोई आस्था रखोगे, यहाँ पर बैठे और हम आपके हम वही है जो कल पढ़ा रहे थे इकोनॉमिक सर्वे सोशियोलॉजी ज्योग्राफी, वो और दो दिन आप भी कहोगे आपको मिलेगा या आपको नहीं मिलेगा, दो दिन बाद हम भी कहना छोड़ देंगे, फिर वही शुरू हो जाएगा। तो यहीं पर आइए आप, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जितना अच्छा कंटेंट अवेलेबल हो सकता है। और सबसे बात मुझे अकेडमी के टीचर ने, तो हमारे टीचर उन्होंने पर्सनली जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, सबसे बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट अन अकेडमी को आया हुआ है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे कमेंट करते हैं हम उन सबका रिप्लाई करते हैं, और जहाँ पर हजारों में बच्चे होते हैं, मैं यही कह रही हूँ कि अन अकेडमी के लिए एक लर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एक भी लर्नर को समझ में नहीं आता है तो टीचर टाइम निकालता है उसे समझाने के लिए। दस लाइव क्लासेस में जब हम पढ़ाते हैं तो एक एक बच्चा, और अभी तो अभी क्या दिया है उसमें तो आवाज के साथ, मतलब लोगों को इतना डेमोक्रेसी भाई साहब, ऑनलाइन नहीं, आप पूछोगे आप पर कोई हंस देगा, हंसने के बाद में पीछे से 15 तो बैठे कोचिंग है, 15 लोग हर कॉमन है, वो 2012 से बैठ रहे वो लाइफ टाइम मेंबरशिप, उसका काम है माहौल बनाना, वो 15 लोग तो कंटिन्यू बैठे हैं वहाँ पे, और वो आते ही मास्टर साहब बहुत बढ़िया है, गुरुजी बहुत बढ़िया है, वो डेकोरम ही चल रहा है, तो बच्चा जो है वो डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा ब्रांडिंग ना, इतना ज्यादा यहाँ भाई। अब तो मैं कहना चाहूंगा नहीं, स्पीड से थोड़ा सा ध्यान रखें आप, और थोड़ा सा बेहतर पढ़ें और समझ कर पढ़ें, जहाँ पे जो है आपको वन बाई वन आप अपनी सबसे बात कर सकते हो, वहाँ पे तो मतलब जब मैं बताता हूँ तो देर ही लगता था, यहाँ पे तो सारा दिन बात करते हैं, बात करेंगे कल से 50 बच्चों के साथ, वहाँ पे तो टॉप रहते तो देर ही रूप से मंगल ग्रह से आया है पूरे प्रोटोकॉल के साथ, क्या मतलब वो कहते हैं आर एस की तरह जी, आर एस की तरह रहो, आर एस की तरह सोचो, मतलब टाइम पे आप चारों मेरे सीनियर्स हो और चारों बच्चों से ऐसे इंटरेक्ट कर रहे जैसे बहुत टाइम से जानते हैं। सो दे वी प्लस पॉइंट्स है। सर धोलिया को आपके लिए टाइम बहुत कर रहे हैं, अभी जो आप देखोगे तो उन्होंने जो बैटल से बहुत अच्छा रिजल्ट है, उतने उतने इतने सारे के लिए और लाइव टेस्ट के बाद का घटना चक्र के, वो भी बहुत बड़ी बात है, वो ज्यादा उन्होंने साइंस के और अनअकैडमी के अंदर ही YouTube पे स्पेशल क्लास भी, चलो सब्सक्रिप्शन हम जो है, अगर हम चार जने पांच जने 500 घंटे पढ़ा रहे हैं तो हम जो है डायरेक्ट फ्री में पढ़ा रहे हैं, अगर आप 1.5 साल तक हमसे फ्री में भी पढ़ते हैं तो मतलब आप बेहतर हजार में पढ़ते हैं वहाँ पे, उतना जितना आप यहाँ पढ़ सकते हो फ्री में डाउनलोड करके आराम से पढ़ो। अधूरे स्टोरी आपकी साइंस से की ज्योग्राफी की क्लासे पढ़ी है, मनीष सर आर्ट एंड कल्चर यूट्यूब पर पूरा करवाया पढ़ा, भूमि भाई पढ़ा रहे हैं, तो पूरी सारी चीज आपको, और पर्सनल कंटेंट आप देखो, आज एक बात बताता हूँ, छात्र क्या होता है आदेश बनते हैं लोग, नोट्स दे दो पर बोला होता है, हम भी देते रहे नोट्स दे दो सर, नोट देता कोई कोई नोट नहीं देता, सारे सर हाँ वहाँ पढ़े बाद कोई नहीं देता, वास्तविकता है, लेकिन अलग है आपको हर टॉप पर के नोट्स मिलते हैं पूरे, आज आप सुरेश सर से कर लो, मनीष सर से कर लो, उपनी सर आपका पूरा कंटेंट अपना दे अपना खुद के लिए जितना ज्यादा देना दो ना भाई, हमारा तो हो गया और बढ़िया ज्ञान है बांटने से बढ़ता है, तो जीवन थोड़ा अच्छा होगा ना। अनअकैडमी सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि हर जगह टीचर है, यहाँ पे हम लोग है ना वो टीचर नहीं, याद रखना हम इस प्रोफेशन आजीवन पढ़ाना ही है,
तो हमें अपना कंटेंट अपने पास सिक्योर नहीं रखना है, क्योंकि मेरा कंटेंट कहीं और चला जाएगा तो कोई और पढ़ा देगा। पढ़ा हो ना भाई साहब, हम यहाँ पे मतलब हमारा तो जिम में इस फील्ड में तो जितने दिन पढ़ाए पढ़ी है तो कंटेंट यह नहीं होती, ये बड़ी ये सबसे बेस्ट टीचर जो है वो मैंने एक चीज देखा कि राजस्थान के लिए पता नहीं कौन लड़कों को बुक्स करता है, इकोनॉमिक्स पे अब किस इकोनॉमिक्स पे पढ़ा रहा है, अब इकोनॉमिक्स पे टीचर ये है कि वो बेस्ट टीचर जैसे आप कोचिंग में जाओ टीचर जैसे क्या टीचर पढ़ाएगा, तो मेरे नोट्स पढ़ मेरे नोट्स पढ़ लो क्यों, क्योंकि अगर उसको इकोनॉमिक्स हमने अगर लड़कों को कह दिया जाए कि भाई इकोनॉमिक्स जगह पढ़ लो तो टीचर पढ़ाएगा क्या, उन्होंने जो पढ़ा है वही लड़कों को बताया कि आप ये करिए। अब मैं मुझे इतना यकीन है कि आप चारों पैसे अगर आप जो है रिजल्ट से पहले भी अगर आप पूछते हो तभी मारी, आज के बाद पूछोगे तभी मारी हुई स्पीड, बिल्कुल सही बात है सर। भाई सर ये स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होती, बस बच्चों को ये लगता है कि आरएस बनते ही हमारा एक एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है कपिल सर, आप सब थोड़ा सा बूस्ट करके बोलिए, बच्चे बार बार यही बोल रहे हैं मैम सर की आवाज कम आ रही है। वो सर जो इनको आप जरूर बताएं, तो गजब फीचर है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ है ना आपके प्लस पे ही फीचर है, मतलब स्पेशल में नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है वो प्लस वालों के लिए, क्योंकि प्लस के बेनिफिट्स काफी सारे हैं और फीचर्स ऐसे हैं कि आप फोटो भेज सकते हो सीधा, एक तो आपको कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो सीधा क्लिक करो और एजुकेटर को भेज दो, दूसरा बोल कर मान लो एजुकेटर आपकी बात नहीं समझ पा रहा तो आप बोल कर बता दो, है ना, ये फीचर है। डायरेक्ट कॉल पे बात होती है, जैसे हम नॉर्मली व्हाट्सएप कॉल या कॉल करते हैं ना वैसे ही नॉर्मल आप एजुकेटर से लाइव क्लास में कॉल पे बात कर सकते हो और इसका बहुत फायदा है, ये वैसे ही है जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में आगे सीट पे बैठे हो डायरेक्ट बात कर रहे हो ना टीचर से, वैसे ही आपको पूरा फील देने के लिए कम्प्लीट वे में अनअकैडमी प्लस सारे फीचर्स आपके काम में गए, इसलिए आओ मैं तो यही कहूँगा, सभी यही कहेंगे और आपके रिश्तेदार भी आपको यही कहना चाहिए कि अनअकैडमी पर जाओ। ये सबसे बेस्ट है, ऐसे तो आपको कोई भार थोड़ी पड़ना है किसी को, आप लाख रुपए दे रहे हो हर बार 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 आप दे लो, एक बार आप एक एडमिशन तो पूरा अच्छे से पढ़ो सर। अगर आप लोगों ने मतलब बाहर रहकर प्रिपरेशन किया होगा तो हमें पता है जब हम बाहर टाउन होम टाउन से बाहर जाके प्रिपेयर करते हैं तो कितना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मम्मी पापा से दूर घर वालों से दूर कितनी चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं। मुझे लगता है ऑनलाइन स्टडी का सबसे अच्छी चीज ये है कि घर पे रहो पेरेंट्स के साथ रहो उनकी देखरेख में रहोगे तो खुद को भी सुकून होता है उनको भी सुकून होता है। अनअकैडमी के कोर्सेज बहुत बेनिफिशियल हैं आप लोगों के लिए, जितने भी लर्नर्स देख रहे हैं बहुत बेनिफिशियल हैं, इसका फायदा उठाइए आप सब। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, आरएस 2020 वाले 2021 बैच के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं, हम सब जानते हैं वैकेंसी आने ही वाली है, आज आ जाए कल आ जाए किसी को कोई पता नहीं है, बट हम सब मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि जो है वैकेंसी आने वाली है, तो सर एक इंडिविजुअल मैसेज जो आप देना चाहते हैं ऑल द बेस्ट के अलावा जो आप दे सकते हैं कि बच्चों ये करो इससे तुम्हारी स्ट्रैटेजी में एक बूस्ट मिलेगा, तो वो आप क्या देना चाहेंगे, उसके बाद हम सर सेशन एंड करेंगे। ठीक है कपिल सर, सुरेश सर और जितने भी सर टीचर्स एजुकेटर्स हमारे साथ में मनीष सर रुक्मी सर प्रेजेंट है, आप इंडिविजुअली अपने ओपिनियन शेयर करना चाहता है तो इन भी तुम्हारे लिए टाइम अनअकैडमी पर पढ़ो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। और चलो वैसे मैंने बैठ किया पहले तो अगर लेके लेकिन फिर भी मैं चारों से मतलब मैं ये सब करवा देता हूँ, हम चारों मैं ना ट्रेनिंग में चले जाइए तो भी तुम लोगों को अनअकैडमी सुबह शाम देना पड़ा तो हम देंगे, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो ठीक है ना, केवल सेल्समैन ये नहीं है कि मतलब बहुत बात है, मार्केटिंग का मतलब होता है कि सेल्समैन के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम जो है आपको जो है कोचिंग नहीं दे, तो हम चारों आपके लिए यहाँ तैयार है, मैं नहीं जानते लेकिन हम भी सर कंटिन्यू रहेंगे आपके लिए, बस यही कहना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुरेश सर आप बताएं।
नई पारी होगी आपकी, वैकेंसी आ रही है, तो मैं तो ये कहूंगा कि एक तो ये होता है ना कि कंपटीशन दूसरों के साथ, मेरा ऐसा मानना है कि कंपटीशन के साथ ही होता है। बिल्कुल, जैसे लास्ट टाइम दूसरी रैंक आई है, लास्ट टाइम जैसे आपकी मान लीजिए 500 भी 700 भी रैंक है, अभी आपने कंपटीशन खुद के साथ किया और आपने सुधारा आपने, मेरा तो ये मानना है कि कंपटीशन खुद के साथ में है। हर अकेडमी की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है पर्सनली, जो मैं हमेशा प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि हर अकेडमी की जो फीस है वो बहुत कम है, गांव का एक आराम से एक विद्यार्थी भी एक साल के लिए जुड़ता है 6,300 रुपये में, 2 साल के लिए जुड़ता है, और यहाँ पर टीचर अगर वो अगर एक टीचर से 3 भी सब्जेक्ट पढ़ लेगा ना तो उसके वो 6,300 रुपये वसूल हो जाएंगे। बिल्कुल, वो कभी भी वो ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। हर अकेडमी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, बिल्कुल एक टीचर ने आपको एक बार पढ़ा दिया, हाँ फोन पढ़ाता ऑफलाइन ऑनलाइन पे एक बार रिकॉर्ड कर दिया, पढ़े मैं अब तक एक साल में एक तो 3-3 बार पढ़ा चुका था मैं। आरएस वालों ऐसे ही वालों को हम पर पढ़ा चुके हैं, 2-3 बार पढ़ा रहे हैं, मतलब इतना लाइव पढ़ाएगा यार, देखने वाली। सर ये अवेलेबिलिटी तो है ही, ये टीचर्स अवेलेबिलिटी तो बहुत अच्छी है। मैंने देखा कि सर ने वो सर्वे के इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर वाइज ट्यूशन लाना है, इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर वाइज ट्यूशन लाना है, टेस्ट सीरीज चलाना बहुत बड़ी बात है। एक टीचर हमेशा क्या सोचता है, ये टीचर क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि वो आपके बारे में सोचता है, आपको एक जिम्मेदारी के रूप में ले रहा है। कम से कम ये मुझे आगे कहे कि सर आपने पढ़ाया था, उसके से सवाल आया है, हमारे जेन में तो ये होता है कि सर आपने पढ़ाया था और आपके अंदर से सवाल आया था। बहुत गजब अपना अनअकैडमी एचसीएफ में कॉल ऑफलाइन चला ही था, और एचसीएफ में मैंने आपने लोगों ने मेहनत की, अभी रिजल्ट आया तो देखना एचसीएफ में सबसे ज्यादा अनअकैडमी जो दूसरी एक सबसे बड़ी बात है ना बैच कोर्सेज, और बैच कोर्सेज में ऐसे नहीं होता कि चलो भाई आपको कोई स्पेसिफिक केवल रीट का टीचर है, जैसे कपिल सर है तो वो रीट पढ़ा रहे हैं, वो एसआई के बीच में पढ़ा रहे हैं, तो वो उनको पता है कि कौन से लेवल पर रीट के लिए पढ़ाना है, कौन से लेवल पर एसआई के लिए पढ़ाना है, कौन से लेवल पर आरएस के लिए पढ़ाना है। तो एक टीचर जो आरएस की तैयारी कर रहा है, सेलेक्ट हो गया है, वो सब बेच पढ़ा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसको कंप्लीट कमांड है। मतलब ऐसा नहीं होता कि रीट को पढ़ा रहा है तो उससे आरएस के क्वेश्चन अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो तो रह जाएंगे, बाकी स्टूडेंट जो सिर्फ केवल रीट के ही स्पेसिफिक से पढ़ रहे हैं। तो ये है, तो बैच कोर्सेज काफी सारे हैं, बैच कोर्सेज चलते हैं, कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको पता है, अभी बताने की कोई आवश्यकता सर आ रहे हैं, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि अनअकैडमी सच में बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और लास्ट में मेरा बच्चों को मैसेज आने वाली, आप सभी को पता है कभी 36 आजकल में भी आ गए कोई भरोसा नहीं, तो आप तैयार हो जाइए और अपना जो शेड्यूल है आप शेड्यूल आपको आइए, आप सेलेक्टेड है, हमें पता है कि आप जर्नी कैसे होने वाली है, आप हमें ये पता है कि कहाँ से ट्यूशन बनते हैं, ट्यूशन का जो नेचर कैसा होता है, तो हम आपको वो चीज़ें पॉइंट आउट करवाएंगे वहाँ पे, यहाँ से ट्यूशन किस प्रकार से बनने वाला है। जबकि मैं पढ़ाता हूँ मेरे को तो अब 2-5 साल से यही जर्नी है, तो आइडिया लग गया कि यहाँ से किस प्रकार से ट्यूशन बनने वाला है, आप हमारे साथ जुड़िए और आप अपना जो शेड्यूल है अपनी हार्डवर्क आपको करनी पड़ेगी, आपको हमारे साथ जुड़ के हार्डवर्क आपको करनी पड़ेगी, दोनों मिलकर करेंगे सफलता हम सबको मिलेगी, और शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच सर। जी जी सर बिल्कुल, यंग टीम है, हमारे साथ 20-30 साल के अनुभवी टीचर भी हैं, आप जैसे जाकर सर पढ़ सकते हो, रघुवीर चौधरी सर से पढ़ सकते हो, सुरेश खोड़िया सर से पढ़ सकते हो, तो ऐसा जो है बहुत बड़ा ऑर्गेनिक पैनल है यहाँ पर, इतना अच्छा है कि जिसके अंदर यंग टीम भी है और साथ के साथ सीनियर टीम, तो आपको ये ऐसे ऐसे लोग 20-30 साल से नाम है तो उनको साथ रखा गया है ताकि जो है उनके मार्गदर्शन में भी पढ़ा सकते, आपके लिए बेस्ट है, और आपको ये पता है कि अनअकैडमी पे कौन पढ़ा रहा है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं पता है, आप इकोनॉमिक्स हम तीनों से पढ़ सकते हो, वो कितना गजब चीज है, आप 10 टीचर से पढ़ सकते हो और हम तीनों साथ मिलकर ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं हम तीनों साथ मिलकर ही पढ़ाते हैं, भाई बढ़िया आराम से पढ़ो, कितना अच्छा आपको लग सकते ऑप्शन आप संकल्प सब कॉम्प्लीमेंट्री है अपन एक दूसरे को, जैसे सब हर एक टीचर कॉम्प्लीमेंट्री चलता है, एक के साथ एक फ्री है, 4 अवेलेबल है, जितने कोचिंग लो बेटर है।
चलिए सर, अच्छा रहा आप लोगों के साथ में सेशन, लर्नर्स को काफी कुछ जानने को मिला। अभी काफी डाउट्स आ रहे हैं, वो आते रहेंगे सर लाइफ टाइम। इंडिविजुअल हम क्लासेस में डाउट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम सबकी क्लासेस होती है गाइस प्लस के ऊपर भी, अनअकैडमी स्पेशल के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी। अभी भी आप लोगों ने अगर इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स को सब्सक्राइब करो। जी सर, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके सर। गाइज अन अकेडमी आरपीएससी को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ये नया अपील है मेरा आप सबसे, कब्दे सर की स्पेशल रिक्वेस्ट है। और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं गाइज, आप पर्सनली टीचर्स की क्लासेस में जाकर पूछ सकते हैं। आई होप आप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। हमारे टॉपर्स को, एजुकेटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद पूरी अन अकेडमी की टीम से। थैंक यू सर अपना कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।